भारत और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। सीरीज की शुरुआत से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए एक चिंताजनक खबर आई है। जानकारी के मुताबिक टीम के ओपनर शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गिल के पहले टेस्ट मैच में खेलना नामुमकिन सा लग रहा है। 4 अगस्त से नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 4 अगस्त से हो रही है। इस मैच से पहले टीम इंडिया के युवा ओपनर शुभमन गिल के चोटिल होने की खबर सामने आई है। एक क्रिकेट वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी चोट इतनी गंभीर है कि अगले 1 महीने के लिए क्रिकेट के मैदान से वो बाहर रह सकते हैं। खबरों की माने तो शुभमन गिल को काफी इंजरी हुई है जो हैमस्ट्रिंग भी हो सकती है। नॉटिंघम टेस्ट में रोहित शर्मा के साथ सुमन की जगह मयंक अग्रवाल या केएल राहुल को मौका दिया जा सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मयंक ने ही रोहित के साथ लगातार भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत की थी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गिल को पारी की शुरुआत करने का मौका दिया गया था। तब से इंग्लैंड और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शुभमन गिल ने रोहित के साथ पारी की शुरुआत की थी। हालांकि गिल की जगह स्टैंड बाई अभिमन्यु ईश्वरन को भी मुख्य टीम में जगह मिल सकती है। गिल के हालात के बारे में चीजें स्पष्ट नहीं है और 4 अगस्त से पहले उन्हें सर्जरी के लिए कहा गया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि यह संभव है कि गिल टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। उनकी चोट गंभीर है और हमें कई चीजें जाननी है। भारत को 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच नॉटिंघम में पहला टेस्ट मैच खेलना है। इसके बाद टीम 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरा मुकाबला खेलेगी। तीसरा मुकाबला दोनों टीमों के बीच लीड्स के मैदान पर 25 से 29 अगस्त के बीच खेला जाएगा। 10 सितंबर से 14 सितंबर के बीच दोनों टीमें मैनचेस्टर में सीरीज के आखिरी मैच खेलने के लिए उतरेगी। तो दोस्तों, ये थी भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से जुड़ी एक ब्रेकिंग अपडेट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।